वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत और आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी चैनल। तो दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है वो है फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी उसको लॉन्च किया है। फ्री सिलाई मशीन योजना 2020, ये बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें सारी डिटेल्स वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलते हैं वीडियो तरफ, फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपकी फ्री सिलाई मशीन योजना 2020 आवेदन पत्र पंजीकरण है, जो फ्री सिलाई मशीन आपको दिलाई जाएगी। इस योजना का शुभारम्भ नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको भी बताऊँगा। इस योजना के लाभ के लिए शहरी और ग्रामीण दो क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और श्रमिक महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 50,000 से अधिक महिलाओं को ये निःशुल्क में सिलाई मशीन दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देश की इच्छुक महिलाओं की फ्री सिलाई मशीन लेना चाहती हैं उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना के में केवल 20 वर्ष से 40 वर्ष की महिलाएं या लड़कियां इसको आवेदन कर सकती हैं, यानी इनकी जो एज होगी वो केवल 20 साल से 40 साल तक की ही एज मान्य है। इसका जो उद्देश्य है उसके मैं बताऊं तो, आप जो महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं है तो वो अपना आसानी से इस मुफ्त सिलाई मशीन से अपना रोजगार कर सकती हैं। इसकी जो पात्रता क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में बता दूं तो, इस योजना के आवेदन करने के लिए आपकी एज 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इस फ्री मशीन के श्रमिक महिलाओं के पति या उसके घर वाले जो गार्जियन है या उनके पिताजी हैं, उनकी 1,20,000 रुपये यहाँ पर होगा, मिस्टेक हो गई है, 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए इनकम, वार्षिक इनकम होनी चाहिए, ठीक है। जो और इसमें जो देश की विधवा विकलांग महिलाएं इस योजना भी वो भी लाभ उठा सकती हैं, उनके पास विधवा मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर विकलांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। विकलांग और विधवा दोनों इसको अप्लाई कर सकती हैं, यानी आपकी जो केवल एज 20 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, 40 ऊपर वर्ष के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो पीएम मशीन के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आवेदिका जो जिसका जो अप्लीकेंट्स है कैंडिडेट है उसका आवेदिका का आधार कार्ड होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और एज प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग के लिए चिकित्सक यानी किसी भी अस्पताल से प्रमाणित होना चाहिए कि आप विकलांग हैं, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप विधवा हैं तो उसके लिए विधवा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास समुदाय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लग जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का फोटो रिसेंट का होना चाहिए। तो दोस्तों, इस योजना को अभी कुछ ही राज्यों में लागू किया गया, जैसे हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी राज्यों में अभी योजना को लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसे कैसे अप्लाई करना उसके बारे में मैं बता दूं कि इसके लिए महिलाओं को सर्वप्रथम मैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की वहाँ पर जाना होगा और वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म में आप अपना जो जानकारी पूछी गई है जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र की क्रमांक, ये सारी डिटेल आपको उसमें भरनी होंगी। इन सबको भरने के बाद आपके जो तहसील हो या कोई नगर निगम अधिकारी या आपके ग्राम प्रधान हो उसके पास इसकी फ़ोटो कॉपी और अपना सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स इसमें बताई गई हैं वो आपको पंचिंग करने के बाद आपको उनके पास जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको वहाँ से वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी सारी जानकारी अगर सत्यापित पाई जाती है तो आपको एक सिलाई मशीन प्रोवाइड करा दी जाएगी वहाँ से आपको। और इसको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया का जो india.gov.in है इसमें आपको वेबसाइट में जाना होगा। जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये ऑप्शन आ रहा है फॉर्म्स का, इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई फॉर डिफरेंट एबल स्कीम्स इसमें आपके सारी फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों को यहीं से आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद मैंने जो जो डिटेल्स आपको इसके बारे में बताई है तो उस डिटेल्स को आपको भर लेना है। भरने के बाद आप इसको जमा कर देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना
और शेयर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।